राजदल आया हुआ है पिंड से, और किस पर्पस से आया है और क्या? केंद्र का दल बेसिकली इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर ऑफिसर भी हैं इसमें जो हेड कर रहे हैं उसको। इसके लिए एक सजेस्ट और सपोर्ट करने के लिए है कि देख लें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं या जो ओवरऑल जो एक तैयारियां पूरी चल रही हैं इंदौर में, उसको एक तरह से गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है देखने के लिए। ऐसा इसके अलावा रिपोर्ट्स में जो कमी आई है, उस कमी की वजह को आशंका की नज़र से देखा जा रहा है। देखिए जो पहले रिपोर्ट्स आई थी, मैंने पहले भी जब रिपोर्ट ज़्यादा संख्या आने वाली तो भी मैंने मीडिया को बतलाया था रिपोर्ट्स में पॉजिटिव संख्या बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो वो भी रीज़न बतलाया था। और ये भी बतलाया था कि वर्तमान में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उसमें निगेटिव संख्या ज़्यादा है, पॉजिटिव संख्या कम है। जो संख्या ज़्यादा आ रही थी वो इसलिए आई थी कि प्राइमरी सस्पेक्ट्स होते हैं, ICMR की गाइडलाइंस है, तो उसमें एक प्राइमरी सस्पेक्ट होते हैं जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स रहते हैं या जहाँ पर भी पॉजिटिव पेशेंट का रोज़ उठना बैठना रहता है। तो प्राइमरी सस्पेक्ट्स की जो हम लोगों ने 3,200 प्राइमरी सस्पेक्ट्स को डाला था मैरिज गार्डन्स में, या लगभग 1,500 लोगों को हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया था, वो प्राइमरी सस्पेक्ट्स की सैम्पलिंग बहुत युद्ध स्तर में की थी हम लोगों ने। उसके लिए 20 टीम बनानी पड़ी थी हम लोगों को, तो 20 दल बना के हम लोगों ने प्राइमरी सस्पेक्ट्स की सैम्पलिंग कराई थी। क्योंकि बैकलॉग बहुत हो गया था, मेडिकल कॉलेज में कैपेसिटी नहीं थी, वो उनके लमसम सैंपल्स हम लोगों ने दिल्ली भेजे थे, और वहाँ से चूँकि 1,000 सैंपल्स दिल्ली गए थे, इसलिए बट नेचुरल था कि उसकी रिपोर्ट एक साथ आनी थी उसकी। तो मैंने मेंटली प्रिपेयर किया था यहाँ के शहर की जनता को कि 250-300 पॉजिटिव केसेस आने वाले हैं, घबराए नहीं उसमें। आज की स्थिति में उतनी सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है, जो ICMR की गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस तक पहले भी हमने इंटेंसिव सैम्पलिंग की थी प्राइमरी सस्पेक्ट्स की, आज भी प्राइमरी सस्पेक्ट्स की कर रहे हैं हम लोग। आज की तारीख में सारे ये अस्पतालों में हमारी सैम्पलिंग चल रही है, प्लस हमारी सैम्पलिंग टीम जो है उतनी टीम की आवश्यकता नहीं जितनी टीम हम लगा रखे थे पहले, इसलिए उस टीम्स के लोगों को हम लोगों ने जो सर्वे चल रहा है घर घर उसमें कुछ लगाया है, बाकी जहाँ आवश्यकता पड़ रही है सैम्पलिंग करा रहे हैं हम लोग। तो जो पहले हमारी 3,200 हमारे जो क्वारंटाइन में थे इंस्टीट्यूशन में और जो होम क्वारंटाइन थे, इनकी एक एक दिन में हम लोगों ने 550-550 सैम्पलिंग हम लोगों ने ले करके और उसको मेडिकल कॉलेज भेजा था। पर अब जो संख्या कम होने का कारण यही है कि उन सबकी सैम्पलिंग हो गई है, उन सबकी रिपोर्ट आ गई है क्वारंटाइन से, जिन लोगों की निगेटिव, अधिकांश लोगों की निगेटिव जो आई थी मेजोरिटी केसेज में, सबको हम लोगों ने रिलीज भी कर दिया है। जो पॉजिटिव आते गए थे उनको हम लोगों ने अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया है, और अब सैम्पलिंग उतनी संख्या में नहीं हो रही है। अब मान के चलिए कि 80 से लेकर के 150 के बीच में सैम्पलिंग पर डे चल रही है जो प्राइमरी सस्पेक्ट की कैटेगरी है। सर, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की जो बात की, अब हम कहाँ हैं, क्या हम जल्दी शुरू करने वाले हैं इसे? देखिए, रैपिड टेस्ट किट आएगी अपने यहाँ पर, उसका प्रोटोकॉल है। रैपिड टेस्ट किट अगर सक्सेसफुल रहता तो अब तक पूरे विश्व में यूज़ हो गया होता वो। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो ये टेस्टिंग प्रोसीजर है पूरा, वो तो फॉलो करना ही पड़ता है। उसका परफेक्शन जो मैंने जो पता किया है मैंने, उसका परफेक्शन चूँकि 60% 70-50% तक रहता है, इस कारण से बहुत इंटेंसिव यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसका जो भी किट आएंगी है उसके साथ प्रोटोकॉल आएगा एक पूरा। तो ऐसा नहीं है कि आप रैपिड टेस्ट का आगे किसी को भी आप लगा के आप उसको पता करके आप एकदम से उसके ट्रीटमेंट शुरू कर दो, या उसको निगेटिव मान लो। आप ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक बार इस सिस्टम में जाना पड़ेगा, जो भी टेस्टिंग चल रही है वो सिस्टम कराना ही पड़ेगा उसमें। तो इन परिस्थितियों में रैपिड टेस्ट किट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इमीडिएट कोई चीज़ को पकड़ देंगे, हम लोग इमीडिएट पकड़ के और उसको हम लोग निगेटिव या पॉजिटिव घोषित कर देंगे और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा वैसा, या निगेटिव आया तो हम लोग ये मान लेंगे कि निगेटिव हो। एंड ऑफ द डे तो वो जाके उसमें ये वाली किट ये करनी है, इसलिए रैपिड टेस्ट किट आएंगे पर उसका प्रोटोकॉल पीछे से आएगा, तो उसका बहुत ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसका जो प्रोटोकॉल आ रहा है हम लोगों के पास में, उसके से ऐसा नहीं है कि रैपिड टेस्ट किट हर जगह यूज़ कर सकते हो आप। क्षेत्रों में मेडिकल उपकरण खरीदने की बात सामने आई है, क्या हमने कुछ इस मामले में जांच की है और क्या तथ्य सामने? ये चीज़ हम लोगों के संज्ञान में आप ही मीडिया बंधुओं किसी के माध्यम से मेरे संज्ञान में लगभग 10 दिन पहले आ गई थी बात ये। और यहाँ 5 बॉटलिंग प्लांट वाले हैं जो ऑक्सीजन की बॉटलिंग करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो संज्ञान में आई थी जिस भी मीडिया बंधु ने मुझे बताई थी, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। और इसमें हम लोगों ने तत्काल जो 5 बॉटलिंग प्लांट वाले हैं उनके नंबर लिए, उनसे व्यक्तिगत बात की कि ये उनके डीलर्स कितने हैं, तो मालूम पड़ा कि 50 डीलर्स हैं जो ये काम जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है जो एक समाचार पत्र में छपी थी, कुछ जगह पे कोई व्यक्ति एक बिचौलिया व्यक्ति था जो ये डीलर से सामंजस्य रख करके सिलेंडर्स दे रहा था वहाँ पर। हम लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हम लोगों की जो सर्वे की टीम लगी हुई थी और सारे दल लगे थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हाई रिस्क केसेस को या जो इससे कोरोना के पॉजिटिव जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनका हमको हम आइडेंटिफाई कर सकें, उनको हम बस्तियों से निकाल करके अस्पताल में ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, लंग्स ज़्यादा ख़राब होते हैं,
तो फिर आपको वेंटिलेटर और बाईपास भी काम नहीं करते हैं फिर, तो ये चीज़ हम लोगों के इस काम में बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो लगभग वो जैसे ही हमने जांच करनी शुरू की, बिचौलियों को अभी भी हम लोग खोज रहे हैं कौन है बिचौलिया। आपके माध्यम से कोई अगर मुझे ये सूचना दे सके कौन वो एक व्यक्ति था बिचौलिया जिसकी गाड़ी नंबर भी मेरे को आधा अधूरा आया था, कंफर्म ही आया था, जो ये विशेष क्षेत्र विशेषों में सिलेंडर सप्लाई कर रहा था, तो उसको हम लोग अरेस्ट करके पूछताछ करेंगे उससे। पर उससे फ़ायदा ये हुआ जाँच करने से हम लोगों की कि 7-8 दिन पहले जो भी सिलेंडर मुस्लिम बस्ती में गए थे उसी बिचौले ने वापस लेना शुरू कर दी, जो मुझे फीडबैक आया है। तो उससे फिर फ़ायदा ये हुआ था कि जो अन्य गरीब जो थे इस तरह की चीज़ों में, जो ये आधा अधूरा और मेडिकली गलत इलाज कर रहे थे अपना, वो निकल के बाहर आए, उनको अस्पतालों में एडमिट किया, काफ़ी संख्या में लोग आए थे अस्पताल में। तो उससे बहुत ज़्यादा ये जो हमारे मोहल्लों को स्टेबल करने में हेल्प भी मिली हम। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जाँच की है सबकी, बस बिचौलिया का नाम मिल जाएगा तो उसके अलावा और कार्रवाई कर देंगे। सर को हम लगा रहे हैं, वो आम लोगों के बीच में ज़्यादा में रहते हैं, तो क्या इंदौर में भी कुछ इस तरह से निकाले हैं कि बिल्कुल सही बोला है, अगर दिल्ली की सरकार और महाराष्ट्र का जो बोल रही है बिल्कुल सही है, इसीलिए लॉकडाउन होना ज़रूरी है, इसीलिए सख्ती होना ज़रूरी है, इसीलिए कर्फ्यू होना ज़रूरी है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को अगर लक्षण वाला बिना लक्षण वाला अगर कैरियर है वो अगर निकल जाएगा तो 2.5 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है, वो 4.5 लोगों को इन्फेक्ट करता है। लॉकडाउन में परसेंटेज कम हो जाती है, वो 2% पर जाता है वही, और जब कम मूवमेंट हो जाए, टोटल 100% लॉकडाउन हो जाए, कोई एक्टिविटी ना हो, तो वो 1% के अंदर आ जाता है और एपिडेमिक चीज़ें बाहर चले। पर चूंकि 100% लॉकडाउन करना पॉसिबल नहीं है 14 दिन के लिए, कुछ कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, कुछ ना कुछ क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज हैं, बहुत सारे अस्पताल की सेवाएँ हैं, तो पॉसिबल नहीं है समाज में वो। तो इसलिए ये लंबा लॉकडाउन चल रहा है, जितना लॉकडाउन रहेगा उतनी ही वो कैरियर जितने भी हैं पॉजिटिव बिना एसिम्प्टोमेटिक, उनके अंदर की 14 दिन की साइकिल पूरी होगी, उतना उनका कैरियर खत्म होगा, उनका कैरियर रहने का उतना ज़्यादा फायदा होगा इस वायरस से मुक्ति पाने में। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, सेंट्रल जेल रही है, 4 कैदी और बता रहे हैं पॉजिटिव हो गए, 2 पहले से ही। सेंट्रल जेल में एक केस आया था और कुछ लोगों को हमने एडमिट भी किया है जिन पे ऐसे लक्षण टाइप में दिख रहे थे, क्योंकि जेल में सामान्य तौर पे ये लक्षण कैदियों में जो संख्या है वो मिलते थे वो, चूँकि पर एक पॉजिटिव आ गया है, इस लक्षण के सारे लोगों को हम लोगों ने अलग से आइसोलेशन जेल में रखा है, इसके अलावा कुछ लोगों को एडमिट कराया है, प्लस एक जो असराबाद खुर्द का हॉस्टल था जिसको कि थोड़ा खंडवा रोड पर आगे है, जो उसमें शुरुआत की गई थी प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन के लिए, वो 250 बेड का है, वो 250 कमरे हैं उसमें, वो जाली वाली लगी हुई है, उसको हमने अस्थाई जेल घोषित कर दिया है और वहाँ से अलग से जेल अधीक्षक को स्टाफ मिल गया है जेल का, तो उसमें गाड़ी दिलवा दी है मैंने जेल अधीक्षक को, खाने की व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है कैदियों के लिए। तो जेल अधीक्षक जो एक बैरक में जिसमें पॉजिटिव संदिग्ध केसेस थे उसके 80 लोगों को हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 80 से 83% हैं जो कन्विक्ट हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि 250 की कैपेसिटी है, अगर और भी शिफ्ट करना होगा तो जेल अथॉरिटी का सबमिशन पूरा मामला एक ही बैरक से जुड़ा हुआ है, एक ही बैरक से जुड़ा है पूरा, एक ही बैरक से। तो उसको हमने सजेस्ट किया कि आप शिफ्ट करिए वहाँ पर, सुरक्षा वही है, अंदर मत रखिए उनको, पहले जेल में अंदर रख दिया गया था, पर फिर हमारी सलाह ये थी कि आप इनको रखिए वहाँ पर, फैसिलिटी हम दे रहे हैं, खाने की सुविधा कराएंगे, आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा कराएंगे, और प्रॉपर्टी भी अच्छी है वो, इसलिए उसको फिर शिफ्ट कर रहे हैं हम। स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो हमारा स्टाफ है उनको भी तो सैलरी देना है, तो हम किस तरह मैनेज करेंगे? कोई भी स्कूल संचालक, हर आदमी अपने बिजनेस के लिए काम करता है, ये नहीं माना जा सकता है कि अगर 1 या 2 महीने का लॉकडाउन चल रहा है ये तो उसमें वो अपने जेब से अपने स्टाफ को पैसा नहीं दे सकता है, ये बिल्कुल बकवास नहीं सुनी जाएगी। जो भी स्कूल संचालक है, जो निर्देश हमने आदेश दिया है सेक्शन 144 का, उसमें स्ट्रिक्टली उसको पालन करना होगा, वो फीस नहीं मांग सकते हैं और उनको तनख्वाह देना भी अनिवार्य है उनको, जैसे सक्षम लोग हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं सक्षम लोग हैं, नहीं हो तो किसी मित्र से अपने उधारी ले लें, स्टाफ भी कम जो गरीब आदमी है, बच्चे भी हमारे उनको भी पिता को पालकों को परेशानी होने देना चाहते हैं, क्योंकि बैंक हमने बंद कर रखे हैं, बैंक में पब्लिक नहीं जा सकती है, पर हाँ RTGS कराना है अगर ऐसे स्कूल संचालक मेरे पास आएंगे कि सब फलाने मित्र से RTGS घर बैठे भी हो जाता है उसके माध्यम से कर सकते हैं वो, तो ये बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी स्कूल संचालकों की ये बहाना बिल्कुल की। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।